निपिन भारत क्या आया, कुछ नया है? हाँ भाई हाँ, नया है। सुनिएगा इसमें क्या बातें हैं। निपिन भारत जो है वो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है। आप में से कितने बेटा डीपीएसपी नहीं है राजवंशी, प्लीज इसको करेक्ट करो। दिस इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे जो न्यूज आई है, पहले तो आप मुझे ये बताओ आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नर्सरी क्लास नहीं पढ़ा है, सच्चाई से बताना, बताइए आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने नर्सरी क्लास नहीं पढ़ा है। आई एम वन ऑफ देम। सुनिएगा सवाल में आपसे पूछा जा रहा है निपिन के बारे में, तो पहले तो हम जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सुनिएगा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी भारत के अंदर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिसिंग इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब क्या है मैम, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, समझाते हैं। लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है पहले वो नाम जान लीजिएगा, रमेश पोखरियाल जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और हमारे देश के अंदर पहले HRD मिनिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह पे क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि किसने इसको लॉन्च किया है, लेकिन इसका मतलब क्या है समझना। इसमें क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को कई बार नर्सरी वगैरह पढ़ने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और वो नर्सरी वगैरह नहीं पढ़ते हैं। लेकिन फिर आगे चल के क्या होता है, कुछ ऐसे बच्चे उनमें से निकल के आते हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, जिनको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है, जिनको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा और हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च होने जा रहा है आज की तारीख में एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम होगा निपिन भारत। क्या नाम है, निपिन भारत। और इसको लॉन्च कौन करेगा, इसको लॉन्च किया जाएगा रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। इसमें होगा क्या क्या, किस चीज़ के ऊपर हम फोकस करने जा रहे हैं, तो सुनिएगा इसमें फोकस किया जाएगा लिटरेसी के ऊपर, यानी कि साक्षरता के ऊपर, कि हमारे देश के अंदर जो ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती तो उनको क्या किया जाएगा, उनको शिक्षित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो न्यूमेरिक्स नहीं समझ पाते जैसे कि मेरे जैसे बच्चे, यानी कि न्यूमेरिक्स नहीं समझने का मतलब समझते हो, न्यूमेरिक्स ना समझने का मतलब होता है जिनकी गणित जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है, समझ गए। यानी कि आपको यहाँ पे नंबर समझ, वो देखी होगी आपने मूवी तारे जमीन पर, देखा है ना, वो बेचारा लिख नहीं पा रहा होता है इस तरीके से करके, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, जो न्यूमेरिक्स को नहीं समझ पाते हैं उनके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मान लो कि वो जो बच्चा है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सपोज वो प्रॉपर बोल नहीं पाता है, या कई बार आपने देखा होगा कि वो अगर इंग्लिश में बोलना चाहता है तो बोल नहीं पाता है, या फिर अगर वो हिंदी में बोलना चाहता है प्रॉपर तो बोल नहीं पाता है, या फिर क्लास में जब रीडिंग की बारी आती थी, है ना, तुम में से कितने ऐसे होते थे जो अपनी सीट के नीचे छुप जाते थे कि काश मैम आज मुझसे रीडिंग तो कतई ना कराएं, है ना। लेकिन क्या करें, रोटेशन होता था और रोटेशन में रीडिंग की बारी तो आनी आनी थी, मजबूरी थी और रीडिंग करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है इसको 5 स्तर पे लॉन्च किया जाएगा, 5 tier पे इसको लॉन्च किया जाएगा, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, और स्कूलों के अंदर इस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे ताकि इन सब चीज़ों के अंदर बच्चों को महारत हासिल कराई जा सके। और इस पूरे प्रोग्राम का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, ये हो जाएगा इस पूरे प्रोग्राम का नाम। लेकिन ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा क्या ये किसी और मिशन के अंदर लॉन्च किया जाएगा, जी हाँ, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है समग्र शिक्षा, यानी कि हर एक व्यक्ति को क्या होगी, यहाँ पे शिक्षा पहुँचाई जाएगी। एजुकेशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, आपके पास में कोई चीज़ हो या ना हो, लेकिन अगर आप एजुकेटेड पर्सन हैं तो कम से कम आप क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं स्टैंड तो कर ही सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा समग्र शिक्षा ये जो योजना है इसको 2018-2019 में लॉन्च किया गया था और उसी के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है। कहाँ से कहाँ तक के बच्चों के ऊपर फोकस किया जाएगा, नर्सरी से लेके क्लास 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक न्यूज़ और जान लो, पुरानी है लेकिन रमेश पोखरियाल जी के बारे में है। रमेश पोखरियाल जी की एक किताब है जिसका नाम है ड्रीम दैट डजंट लेट यू स्लीप। तुम लोग का कौन सा वाला ड्रीम है जो यहाँ पे तुमको सोने नहीं देता है, तो यार देखो वो एक ही चीज़ है, वो क्या है, आपका सिलेक्शन है, ठीक है। ये किताब किसकी है, रमेश पोखरियाल जी की है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कनाडा के अंदर एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है कनाडा साहित्य गौरव अवार्ड। ये अवार्ड किसको मिला, रमेश पोखरियाल जी को दिया गया, ठीक है।
चलिए अच्छा, अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे जो है यहाँ पे इसी वाली न्यूज़ के साथ में जुड़ी हुई। क्या बोला गया है, CBSE ने अभी हाल ही में क्या किया था, अपने लेवल पर एक काउंसलिंग ऐप लॉन्च किया था। आप मुझे आंसर करके बताओ कि वो काउंसलिंग ऐप का नाम क्या था, मैं ना बताने जा रही, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, ई लर्निंग ऐप। अभी हाल ही में टाटा स्टडीज ने लॉन्च किया था CBSE के साथ में मिलके, ताकि जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर क्या मिल सके, गाइडेंस प्रोवाइड करी जा सके एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में इंडिया की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा क्या, कस्तूरी रंजन कमेटी के अंदर ही तो ये बनाया गया था। सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट सुनना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई थी इसके अंदर कहा गया था कि बच्चों का जो एनरोलमेंट है, यानी कि कितना ज़्यादा एडमिशन होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे फोकस किया गया। तो एडमिशन का जो रेशियो है वो कितना परसेंट बढ़ गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50% ये इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 10+2 का जो सिस्टम आया है, अभी आपने देखा होगा ना कि नया वाला जो सिस्टम आया है, उस सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे कौन सी कैटेगरी बताई गई है, तो बहुत ही कायदे से समझिएगा, 5+3+3+4 ये रखा गया है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। सही से एक बार देखना, आंसर करके बताइएगा कि दिस इज 12 और नॉट, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल, अभी हाल ही में किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो रमेश पोखरियाल जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी किताब SSC का धमाका भैया देख लीजिएगा, अगर आपको कोई भी पेड बैच अवेल करना है तो आपका नया बैच 7 जुलाई से, 7 जुलाई धोनी का हैप्पी वाला बर्थडे, तो 7 जुलाई से आपका नया जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको मेरे क्लासेस मिलेंगे और साथ में आपको बाकी टॉप एजुकेटर्स के क्लासेस भी मिल जाएंगे, आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। दिस बैच इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, SSC हो, UPSC है या फिर एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। संजू बस, संजू और आयुषी, इन दोनों ने एक ही न्यूज, मतलब एक ही तरीका सीखा हुआ है, कौन सी, गुस्से वाली इमोजी। और अगर बोल दो गुस्से वाली इमोजी क्यों भेजते हो, तो पता है क्या कहेंगे, मैम इसलिए भेजते हैं ताकि आप हमारा कमेंट एक बार से देख सको। सही जा रहे हो बेटा तुम लोग। पंकज, ओके, चाइना को मैप से हटवा दें भाई, नॉट पॉसिबल, सॉरी। अगला देखो, यहाँ पे प्राइस हाइक होने जा रहा है, तो एक बार से देख लीजिएगा इफ यू वांट टू ज्वाइन। और हाँ, टेस्ट कैसा हुआ था तुम लोगों का, एक बार से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ, क्योंकि हर संडे को ही टेस्ट होता है। टेस्ट से याद आया, मुझे आंसर भी करना है। ओके चलिए, तो मिलते हैं आपसे 10:30 बजे के सेशन में। और ये ध्यान रखिएगा कि 10:30 बजे का जो आपका सेशन है, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके हर पेपर के लिए आएगा, मतलब UPSC भी है, UPSC भी है, आपका SSC भी है, तीनों एग्जाम एंड